राष्ट्रपति जो है हमारे संविधान में प्रमुख है, हमारे राष्ट्र का प्रमुख माना जाता है। ये जो टॉपिक है ये भारतीय संविधान के भाग 5 में आते हैं, है ना। इसमें संघ की जो कार्यपालिका है उसके अंतर्गत हम राष्ट्रपति को पढ़ते हैं, ठीक है। अब भारत ने चूंकि संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया हुआ है, संसदीय शासन प्रणाली का मतलब यानी हमने ब्रिटेन का जो सिस्टम है वो अपनाया है, और ब्रिटेन के सिस्टम में अगर हम देखते हैं तो वहां पर राष्ट्रपति का कोई रोल नहीं है, यानी राष्ट्रपति नाम से तो कोई व्यक्ति होता ही नहीं है ब्रिटेन में। तो भारत ने जब संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया, ब्रिटेन के सिस्टम को अपनाया, तो यहां राष्ट्रपति जब ब्रिटेन में नहीं था तो भारत में क्यों रखा? तो ब्रिटेन में वहां पर राजा होता है, हमने लगभग उसी के जैसा यहाँ व्यक्ति बनाया है, बट राजा जो है वो वंशानुगत है, एक ही परिवार का व्यक्ति राजा बनेगा। और राष्ट्रपति जो हमारे देश में है वो कैसा होगा? इलेक्शन से आया, निर्वाचित होकर के आएगा, और इसी निर्वाचन की व्यवस्था के कारण ही हम भारत को क्या कहते हैं? भारत को हम रिपब्लिक कहते हैं, गणतंत्र कहते हैं, यानी हेड ऑफ द नेशन इलेक्टेड बाई द पीपल। ब्रिटेन में संसदीय शासन प्रणाली है, इसका अर्थ यह है संसद शक्तिशाली है, यानी संसद में जो उसके हाउसेस होते हैं उसमें जिसको बहुमत मिलता है उससे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनती है, मंत्रिपरिषद, उसका जो मुखिया होता है वो प्रधानमंत्री बनता है। तो सारी जो शक्तियां हैं वो एक तरीके से किस में है? मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री में है। राष्ट्रपति के पास हमने कुछ शक्तियां दी हैं, वो बहुत ज्यादा पावरफुल तो नहीं है, है ना। वास्तविक मुख्य न होकर के वो सिर्फ संवैधानिक प्रमुख के रूप में काम करता है। इसके कुछ आर्टिकल मैंने आपको बताए थे कि ये आपको रट लेना चाहिए, जैसे आर्टिकल नंबर 52, इसमें लिखा है कि देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के लिए एक राष्ट्रपति होगा। और 53 में लिखा है कि राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका शक्ति का प्रमुख होगा, या ऐसा समझ लो कि जो कार्यपालिका संबंधी शक्तियां हैं वो किसमें निहित होंगी? तो वो भारत के राष्ट्रपति में निहित होंगी। अब कार्यपालिका का प्रमुख है, कार्यपालिका शक्तियां इसमें निहित है, तो उन शक्तियों का प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थों की सहायता से करेगा। इस आर्टिकल को पढ़ करके हमें भ्रम या भ्रांति आ जाती है कि अरे इसमें तो लिखा है कि राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग खुद कर सकता है, बट इसमें ये ध्यान रखेंगे कि राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार ही करेगा। यानी राष्ट्रपति काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह मानने के लिए बाध्य है एक तरीके से, है ना। तो राष्ट्रपति को इस कारण से हम क्या कह देते हैं? नाम मात्र की कार्यपालिका भी कह सकते हैं, या कहा जाता है। है तो कार्यपालिका का प्रमुख, लेकिन संवैधानिक के रियल हेड नहीं है, रियल हेड जो है वो प्राइम मिनिस्टर हो जाता है, ठीक। तो प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद वो है, वो वास्तविक है, वो रियल है, वो प्रेसिडेंट हमारे यहां पर सिर्फ औपचारिक समझ लो। अब आगे बढ़ते हैं, प्रीलिम्स में क्वेश्चन जो है अजब टाइप के भी आते हैं, गजब टाइप के भी आते हैं, तो अजब गजब टाइप के क्वेश्चनों को हम कर सकते हैं इन्हीं लेक्चर के द्वारा पढ़ करके कर सकते हैं। पूछ लिया जाए कि बताओ भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है, तो भारत का पहला नागरिक राष्ट्रपति ही होता है, फर्स्ट सिटीजन राष्ट्रपति को ही मानते हैं, है ना। तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर जो भी व्यक्ति है वो भारत का प्रथम नागरिक कहलाएगा। अब देखो आगे 54 में आर्टिकल नंबर में लिखा है कि भारत का राष्ट्रपति इसका चुनाव होगा, इलेक्शन से आएगा, इलेक्टेड होगा एक निर्वाचक मंडल के द्वारा, इलेक्टोरल एक कॉलेज होगा, यानी कुछ लोगों का समूह जो राष्ट्रपति को चुनेंगे, है ना। वो राष्ट्रपति को चुनने वाला समूह है वो कौन सा है? तो संसद के सभी निर्वाचित सदस्य। संसद के निर्वाचित सदस्यों से मतलब है कि लोकसभा के जितने भी इलेक्टेड मेंबर होते हैं वो, प्लस राज्यसभा के जितने भी इलेक्टेड मेंबर होते हैं वो। इलेक्टेड शब्द पर इतना जोर क्यों दिया जा रहा है? तो इसके पीछे कारण है, निर्वाचित शब्द पर विशेष बल देने का कारण ये है कि पहले लोकसभा में दो जो सदस्य होते थे एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के, वो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के जो मेंबर थे वो इलेक्टेड नहीं है, वो नॉमिनेटेड होते हैं, मनोनीत होते थे। और राज्यसभा में 12 सदस्य होते हैं नॉमिनेटेड मनोनीत साहित्य कला विज्ञान और समाज सेवा से, तो इन राज्यसभा के 12 सदस्य ये राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं।
और ये जो एंग्लो इंडियन थे वो भी भाग नहीं लेते हैं। अपडेट ये है कि एंग्लो इंडियन वाला जो क्लॉज है अब वो समाप्त ही हो गया, यानी लोकसभा में एंग्लो इंडियन के नाम से अब किसी भी व्यक्ति को मनोनीत नहीं किया जाएगा। ये संशोधन कर दिया गया संविधान में और ये व्यवस्था हो गई है समाप्त। आपके लिए है प्रश्न यही इसी से जुड़ा हुआ कि बताओ वो कौन सा संविधान संशोधन था जिसके द्वारा लोकसभा में एंग्लो इंडियन के नॉमिनेशन के प्रोविजन को खत्म कर दिया, ऐसे ही विधानसभा में एंग्लो इंडियन के नॉमिनेशन के प्रोविजन को खत्म कर दिया। कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं इसका उत्तर। अब राष्ट्रपति के चुनाव में नॉमिनेटेड मेंबर भाग लेते हैं, देन इसके बाद फिर आपके आगे यहाँ लिखा क्या है कि सभी विधानसभाओं के निर्वाचित विधायक भी भाग लेते हैं, है ना। तो भारत में जितने भी राज्य हैं उन राज्यों में विधानसभाएं हैं, विधानसभाओं के इलेक्टेड जो MLA हैं वो भाग लेंगे, और दिल्ली और पौंडिचेरी यहाँ पर विधानसभा भी है, ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो दिल्ली और पौंडिचेरी के भी जो निर्वाचित विधायक होते हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। यहीं पर आप ऐसे समझ लो कि राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, मान लेते हैं कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा है। अब राष्ट्रपति शासन लगा है तो उस राज्य के विधायक राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले पाएंगे, तो क्या इस आधार पर राष्ट्रपति के निर्वाचन को कैंसिल कर सकते हैं या राष्ट्रपति के निर्वाचन को लेकर के कोई क्वेश्चन उठा सकते हैं? तो बिल्कुल यहाँ पर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि अगर एक राज्य, एक से अधिक राज्य वहाँ राष्ट्रपति शासन लगा है या वहाँ पर विधायक नहीं है, विधायकों ने रिजाइन कर दिया है या विधायकों ने संन्यास ले लिया है, तो भी राष्ट्रपति की ये इलेक्शन प्रक्रिया प्रभावित नहीं होती है। वैसे ही लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के मेंबर, अगर कोई सीट खाली है तो भी राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया पर कोई अंतर नहीं पड़ता है, ठीक है। आगे यहाँ एक बात और ध्यान देना है कि इलेक्शन में सिर्फ इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली को रखा गया है, लेकिन जब राष्ट्रपति के ऊपर हम महाभियोग लगाते हैं इम्पीचमेंट, तब क्या होता है मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं, लेकिन वहाँ विधानसभा के सदस्य नहीं लेंगे, है ना। विधान परिषद के सदस्य तो कहीं पर भी भाग लेते ही नहीं है, राष्ट्रपति से उनका कोई संबंध एक तरीके से नहीं रखा गया है। गुड, अभी लोकसभा के चुनाव पहला चरण पूरा हो चुका है, दूसरे चरण के जो मतदान हैं वो अभी होंगे, उनके नामांकन चल रहे हैं। दोस्तों आप जानते हैं कि लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए व्यक्ति को अगर वह सामान्य कैटेगरी को बिलोंग करता है तो उसको जमानत राशि के रूप में 25,000 रुपये जमा कराने होते हैं, SC ST को 12,500 रुपये हैं, और उसको अपने चुनाव लड़ने के लिए प्रस्तावक और समर्थकों की भी आवश्यकता पड़ती है। वैसे ही राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाला जो व्यक्ति है तो उस राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति को कम से कम 50 व्यक्ति क्या चाहिए प्रस्तावक के रूप में, यानी जो उसके नाम का प्रस्ताव रखेंगे। ये कौन होंगे? ये होंगे वोटर। कौन से वोटर? राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने वाले। और 50 व्यक्ति ही क्या चाहिए अनुमोदक यानी समर्थक चाहिए, ये भी वोटर होंगे जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे, यानी कि संसद सदस्य हो या विधायक हो। ऐसा क्लॉज, ऐसा प्रावधान इसलिए किया गया है जिससे कि नॉन सीरियस कैंडिडेट जो हैं वो इस चुनाव में भाग ना लें। कई सारे लोग होते हैं ना जो सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही छोटे मोटे रिकॉर्ड बनाने के लिए हर चुनाव लड़ते हैं, और इवन स्थिति ये होती है कि कई बार उनको अपना स्वयं का वोट भी नहीं मिलता है, कि स्वयं का वोट कोई फर्जी डाल जाता है दूसरी पार्टी को। तो इस को रोकने के लिए यानी गंभीर सिंसियर एस्पिरेंट्स ही रहें ये व्यवस्था की गई। अब जैसे मैं यहाँ देख रहा हूँ इंदौर में अभी लोकसभा का चुनाव होना है, लोकसभा, तो एक कैंडिडेट हैं, उन्होंने 5 लोकसभा के 5 विधानसभा के मतलब जनपद के पार्षद के उन्होंने कोई भी चुनाव नहीं छोड़ा है जिसमें उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया, और किसी भी चुनाव को वो नहीं जीत पाए, उनकी जमानत जब्त हो जाती है। जमानत जब्त होने का अर्थ क्या होता है कि ये जो कॉशन मनी के रूप में जो पैसे जमा कराए जाते हैं ये वापस नहीं मिलेंगे यदि किसी कैंडिडेट को टोटल वैलिड वोट का 1/6 से कम मिलता है। तो ये तो रहा राष्ट्रपति के चुनाव में 50 सदस्य क्या होंगे, उसके प्रस्तावक होंगे, 50 अनुमोदक होंगे। दूसरी बात क्या आती है? दूसरी बात आती है कि राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए एक तो
कंडीशन है कि भारत का नागरिक होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया, उसके साथ साथ कम से कम 35 वर्ष की उम्र होना चाहिए 35, और लोकसभा का सदस्य बन सके ये योग्यता उसके अंदर होना चाहिए, है ना? ठीक। तो लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता से मतलब है कि उम्र वाला क्लॉज छोड़ दें, बाकी लोकसभा का मेंबर बनने के जितने भी प्रावधान है, यानी किसी क्रिमिनल केस में वह प्रूव्ड ना हो, कन्विक्टेड ना हो, यानी उसको सजा सुनाई गई है तो सजा उसकी समाप्त होकर के 6 साल हो चुके होंगे, वो सब चीज़ें आती हैं। 55 आर्टिकल में लिखा है कि राष्ट्रपति का चुनाव जिस पद्धति से, जिस मेथड से किया जाएगा, वो कौन सी पद्धति होगी, उसे बोलते हैं आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय विधि, है ना, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल। ये डिटेल में मैं आपको पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ, प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ आपको ये मिल जाती है, वहाँ से आप इसको समझ सकते हैं। ये बड़ी अच्छा मेथड है, इससे जो लोक प्रतिनिधित्व है उसका सही रूप सामने आता है, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड होने की वजह से ये सबके लिए नहीं उपयोग में लाई जाती। मतलब कहने का मतलब है लोकसभा के चुनाव, विधानसभा के चुनाव, सरपंच या पार्षद के चुनाव में इसका प्रयोग नहीं करते हैं। राष्ट्रपति के, उपराष्ट्रपति के, राज्यसभा के मेंबर, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल जो रहते हैं विधान परिषद, उनके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो 55 में ये लिखा है। भारत की जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं वो द्रौपदी मुर्मू जी हैं, 15वीं राष्ट्रपति हैं, है ना। तो राष्ट्रपति ये जो हैं, अब एक बात बता देता हूँ यहाँ पर थोड़ा सा, कि ये भी कुछ जीके टाइप के जो वन लाइन फैक्ट आते हैं, इनसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति जो थी वो तो थी कौन, प्रतिभा पाटिल जी, और उसके बाद ये दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। अगर मैं बिना बायस्ड हुए, बिना पक्षपात हुए मुझसे अगर प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में राष्ट्रपति का पद जिनको दिया गया वो उनकी योग्यता के आधार पर दिया गया, तो मेरा उत्तर होगा ऐसे बहुत ही कम व्यक्ति हैं जिनको उनकी योग्यता के आधार पर राष्ट्रपति का पद दिया गया। सबसे महान व्यक्ति जो राष्ट्रपति बने वो थे डॉक्टर APJ कलाम साहब। उनकी शख्सियत, उनकी पर्सनालिटी इस पद से कहीं बड़ी थी, यानी वो व्यक्ति राष्ट्रपति बने ये उनके लिए महिमामंडन नहीं मानता मैं, ये राष्ट्रपति के पद के लिए महिमामंडन था कि डॉक्टर APJ कलाम जैसे व्यक्ति राष्ट्रपति बने। प्रतिभा देवी पाटिल क्यों बनाई गई राष्ट्रपति, इसको लेकर अगर निरपेक्ष रूप से पूछा जाए तो बस कोई विशेष कारण नहीं है, है ना। KR नारायणन बनाए गए थे जातिगत आधार पर कि दलित पहला राष्ट्रपति बना देते हैं। द्रौपदी मुर्मू जी को भी इसलिए बनाया है राजनीतिक रूप से कि हम अब पहले एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बना रहे हैं, इस कारण से बनाया है। मेरिट का यहाँ पर जो एक क्लॉज है उसको साइड कर दिया गया है, तो इसलिए मैं बड़ा क्लियर कर देता हूँ, इससे किसी की भावनाएँ आहत होती हैं तो मैं जानबूझकर किसी की भावनाओं को आहत नहीं कर रहा हूँ, मैं तार्किक बात कर रहा हूँ, तर्क के द्वारा अपनी बात को समझा रहा हूँ। खैर, आगे समझो कि राष्ट्रपति का जो चुनाव है तो वो चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय विधि से हो जाता है। तो इस चुनाव में क्या करते हैं कि इसमें विधायक का वोट वैल्यू निकालते हैं, सांसद का वोट वैल्यू निकालते हैं, फिर मिनिमम कोटा डिसाइड करते हैं, और जो कैंडिडेट हैं अगर उस मिनिमम कोटा के बराबर उन्हें वोट प्राप्त होते हैं तो विनर है, नहीं है तो दूसरे राउंड की गणना, तीसरे राउंड की गणना जो है वो कराई जाती है, उसके बाद चीज़ें क्लियर होती हैं। ये लिस्ट है कि अभी तक कौन कौन राष्ट्रपति बने थे, तो आपको एक सरसरे तौर पर इसको ज़रूर देख लेना चाहिए। ऑब्जेक्टिव वाला जो भी एग्ज़ाम है उसमें कहीं ना कहीं ये आ सकता है, पूछ सकते हैं, तो वो ध्यान रखना, है ना। जैसे मैं आपसे पूछूं कि बताओ निर्विरोध रूप से कौन व्यक्ति था सबसे पहले जो राष्ट्रपति बना, है ना, तो ऐसे क्वेश्चनों के उत्तर जो हैं वो पूछे जा सकते हैं। जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो 2 कार्यकाल तक राष्ट्रपति रहे। भारत में कोई भी व्यक्ति कितनी ही बार राष्ट्रपति बन सकता है, कोई भी व्यक्ति, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को मात्र अवसर मिला है 2 कार्यकाल रहने का, है ना। डॉक्टर राधाकृष्णन जो हैं
ये लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति रहे। ज़्यादातर ऐसा रहा है कि जो उपराष्ट्रपति है वही बाद में राष्ट्रपति बन गया है। तो डॉक्टर राधाकृष्णन जो हैं 2 बार उपराष्ट्रपति रहे और 1 बार प्रेसिडेंट बने, है ना। ये जो है वीवी गिरी, पहले कार्यवाहक बने थे ना, तो वीवी गिरी जो है इनका जब चुनाव हुआ था तो चुनाव होते समय, यानी देखो इनका चुनाव होता है, ये इस समय राष्ट्रपति बनते हैं, तो पहली बार की गणना में ये विनर नहीं थे, तो इनके लिए सेकंड राउंड जो था उसकी काउंटिंग कराई गई थी। ये भी आप नोट कर लो, वराह गिरी, वेंकट गिरी, जिन्हें हम वीवी गिरी के नाम से जानते हैं, दूसरे चक्र की गणना हुई थी। दूसरे चक्र की गणना के उपरांत ही ये राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे, ठीक है। अब वीवी गिरी जो थे यहाँ पर निर्दलीय रूप से चुनाव लड़े थे। एक बात और ध्यान रखना, इसमें इंदिरा जी इन्वॉल्व हो जाती हैं। पार्टी का ऑफिशियल जो कैंडिडेट था वो पराजित हो जाते हैं और निर्दलीय कैंडिडेट है वो जीत जाता है, ठीक। संजीवा रेड्डी है ना, नीलम संजीवा रेड्डी जो हैं ये यहाँ वीवी गिरी के अगेंस्ट लड़े थे, तो 1 बार ये पराजित हुए थे और बाद में ये निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं, नीलम संजीवा रेड्डी, ठीक, याद रखना, ओके। अब ये भी इस लिस्ट में हमें देखना पड़ेगा कि इसमें जो 18 व्यक्तियों के नाम दिए गए हैं, मतलब टोटल 18 हैं, क्योंकि ऊपर एक दो नाम इसमें कार्यवाहक के भी आ जाते हैं ना, तो उनको जोड़कर, वैसे तो टोटल 15 व्यक्ति हैं, तो उससे जुड़े, इस लिस्ट से जुड़े जो महत्वपूर्ण फैक्ट थे वो मैंने बता दिए। अब आपको याद रखना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर फकीरुद्दीन अली अहमद, यानी एक तो पहले नंबर के जो व्यक्ति राष्ट्रपति बने थे ये कभी उपराष्ट्रपति नहीं बने हैं। इनके अलावा फिर हम किसकी बात कर रहे हैं, 7वें नंबर पर जो नाम लिखा है फकरुद्दीन अली अहमद, ये भी कभी उपराष्ट्रपति नहीं रहे हैं। नीलम संजीवा रेड्डी जो हैं ये भी उपराष्ट्रपति नहीं रहे हैं। इसके अलावा फिर नाम आता है ये डॉक्टर ज्ञानी जेल सिंह, ये भी कभी उपराष्ट्रपति नहीं थे। और देन आते हैं हमारे APJ अब्दुल कलाम साहब, जो 2002 से 2007 तक रहे थे, तो ये भी उपराष्ट्रपति नहीं थे। प्रतिभा देवी पाटिल जो हैं वो भी उपराष्ट्रपति नहीं रही थी। ये वो व्यक्ति हैं जो बिना उपराष्ट्रपति के राष्ट्रपति बने हैं। और अभी ये द्रौपदी मुर्मू जी हैं, इनको भी हम इसमें रख सकते हैं, और ये रामनाथ कोविंद जी हैं, इनको भी इसमें रख सकते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अपडेट आप होते रहना। राष्ट्रपति जो है जब अपना पद संभालता है उससे 5 साल तक की अवधि तक वह अपने पद पर रहता है। उसके पहले वो क्या कर सकता है, उसके पहले वो कभी भी अपना रेजिग्नेशन यानी पद छोड़ सकता है। अपना रेजिग्नेशन वाइस प्रेसिडेंट को देता है, वाइस प्रेसिडेंट राष्ट्रपति को देता है। उसे उसके कार्यकाल से पहले हटा भी सकते हैं, तो हटाने के लिए महाभियोग लगाया जाता है, आर्टिकल 56 में ये लिखा हुआ है, ठीक है। दूसरी बात, एक बात ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति का पद कभी भी 1 सेकंड के लिए भी हम खाली नहीं छोड़ते हैं, ठीक है। अगर मान लो उसने रिजाइन कर दिया या उसकी मृत्यु हो गई या बीमार है, कार्य करने में असमर्थ है, तब उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा। अगर उपराष्ट्रपति नहीं है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करेगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है तो जो भी सुप्रीम कोर्ट का उपलब्ध वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा वो करेगा। इतनी बड़ी व्यवस्था रखी गई है ना। अब मैं यहाँ पर एक प्रश्न पूछ लेता हूँ कि मान लो राष्ट्रपति पद पर जो व्यक्ति है किसी भी कारण से राष्ट्रपति के चुनाव जो हैं नहीं हो पाए, समय से पूर्व कराए जाते हैं लेकिन नहीं हो पाए किसी भी कारण से, 5 साल पूरे हो गए पद ग्रहण के, चुनाव हो नहीं पाए, और वो व्यक्ति ने बीमार भी नहीं है, रिजाइन भी नहीं किया है, महाभियोग के द्वारा आपने हटाया भी नहीं है, तब ऐसी स्थिति में क्या होगा? क्या उसको उसके पद से हटा लेंगे, उपराष्ट्रपति कार्यवाहक के रूप में काम करेगा, या यही व्यक्ति राष्ट्रपति के रूप में काम करता रहेगा? तो ऐसी स्थिति में आप ध्यान देंगे कि अगर किसी कारण से चुनाव विलंब से होता है और जो व्यक्ति राष्ट्रपति हैं उन्होंने पद नहीं छोड़ा है, उनको नहीं हटाया गया है, तो नई व्यवस्था होने तक वही राष्ट्रपति के पद पर बने रहते हैं। ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति को कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं बनाते हैं ना।
ये याद रखेंगे आप लोग। ठीक, अब आते हैं 57 में लिखा है कि कोई भी व्यक्ति कितनी बार बन सकता है, अगर जीत जाता है तो 2 बार 3 बार 5 बार। यूएस में प्रोविजन है कि कोई व्यक्ति 2 बार 2 कार्यकाल से ज़्यादा नहीं, और 4 साल के वहाँ 2 कार्यकाल होते हैं। राष्ट्रपति बनने के लिए जो योग्यता है, क्वालिफिकेशन है, 58 में मेंशन है, मैं आपको बता दिया था पहले ही कि भारत का नागरिक हो, 35 साल की न्यूनतम आयु हो, लोकसभा का सदस्य बन सके, ये उसमें क्या होना चाहिए, योग्यताएँ होना चाहिए। राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए कहा जाता है कि कोई भी पोस्ट ऑफ प्रॉफिट, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, यानी गवर्नमेंट जॉब में ना हो, प्राइवेट जॉब में भी ना हो, किसी कंपनी का डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मेंबर ना हो। लेकिन राष्ट्रपति राष्ट्रपति रहते हुए, उपराष्ट्रपति उपराष्ट्रपति रहते हुए, राज्यपाल, मंत्री है ना, विधायक, सांसद, ये बिना अपना पद छोड़े भी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। जीतने के बाद स्वतः ये मान लिया जाता है कि अब इन्होंने भारत के राष्ट्रपति के रूप में काम कर रहे हैं, और वो संबंधित पद जो है वो क्या किया है, वो छोड़ दिया है। ठीक है, ये सारी बातें यहाँ पर हो जाती हैं। नेक्स्ट 60 इसमें लिखा है कि राष्ट्रपति को शपथ, तो शपथ भारत का मुख्य न्यायाधीश वो नहीं है तो उपलब्ध वरिष्ठतम न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट का। महाभियोग की प्रक्रिया जो थी मैंने आपको बताई थी काफ़ी डिटेल में, कि महाभियोग लगाया जाता है सिर्फ एक स्थिति में और एक ही व्यक्ति पर, संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति के खिलाफ लाया जाता है, तो इसके लिए 1/4 सदस्य उसे 14 दिन पहले नोटिस देते हैं, चाहे लोकसभा के दें चाहे राज्यसभा के दें। उसके बाद अलग अलग सदन में प्रस्ताव रखते हैं और वहाँ से कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से पारित कराते हैं। अगर पारित हो जाता है दोनों सदनों से तो राष्ट्रपति अपना पद छोड़ देता है। दूसरा सदन जो है वहाँ पर राष्ट्रपति क्या करता है, अपना पक्ष रख सकता है, स्वयं या अपने वकील के माध्यम से वहाँ जा सकता है। ठीक है, वो मैं शॉर्ट में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पुराने लेक्चर में मैं आपको पहले बता चुका हूँ। राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं उन शक्तियों को भी अच्छे से याद करना है, पिछली बार मैंने बताया था मगर आपको करनी ही चाहिए क्योंकि इनसे जो प्रश्न है वो आ सकते हैं। वो प्रश्न कैसे रहते हैं कि देखो मुख्य परीक्षा में भी आते हैं, प्रीलिम्स में भी आते हैं, तो याद रखेंगे। तो कार्यपालिका शक्ति का प्रमुख है 53 में ही लिखा हुआ था, यानी भारत के जितने भी काम होते हैं वो सब राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाते हैं, है ना, तो राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं बट ये वास्तविक प्रमुख नहीं है, ध्यान रखेंगे ये बात। ये कैसा है, नाम मात्र का प्रमुख है, इसका अर्थ ये हो जाता है काम तो राष्ट्रपति के नाम से होंगे लेकिन वो सारे के सारे कामों की सलाह मंत्रिपरिषद देगी, मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है, और ये बाध्यकारी कब किया गया वो भी याद रखना, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। दोस्तों बड़ी हास्यास्पद चीज़ें, आप सब तो सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स हैं, हमारे देश में चुनाव हो रहे हैं और चुनाव के दौरान हम अगर पार्टियों के प्रवक्ताओं को, पार्टी के लीडरों को देखते हैं, इवन जो मीडिया के एंकर होते हैं उनके ज्ञान को अगर हम चेक करते हैं तो लगता है कि ये कुछ भी बोले जा रहे हैं, इनको कहीं से लेकर कहीं भी चीज़ का ज्ञान ही नहीं है पॉलिटी के बारे में और पॉलिटिक्स कर रहे हैं। वो कहते हैं कि सरकार बोला इतनी सीटें लेकर आएंगे तो संविधान बदल देंगे। भाई संविधान बदलना अलग बात, संविधान में संशोधन जो है, संशोधन करने के लिए संविधान में खुद प्रावधान है ना, उसमें आर्टिकल 368 में लिखा हुआ है ना कि संविधान में संशोधन किया जा सकता है, और ये सरकार बदल देगी आगे लोग बदल देंगे, उसके पहले ही बदला जा चुका है। 42वां संविधान संशोधन जो है जिसके बारे में हम बात करते हैं, इंदिरा जी सरकार थी उन्होंने किया था, इसे अपने आप में मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते थे, लघु संविधान कहते हैं, इतने ज़्यादा संशोधन किए गए थे, लोकतंत्र नामक चीज को साइड रख दिया गया था, और जरूरत पड़ने पर जैसी आवश्यकता होती है संविधान में संशोधन किया जाता है। संशोधन करने के लिए जैसे कानून बनाए जाते हैं उसी तरीके से विधेयक प्रस्तुत किए जाते हैं, वो संविधान संशोधन विधेयक कहलाते हैं, लोकसभा में राज्यसभा में। ठीक 3 तरीके से संशोधन होता है, साधारण बहुमत, विशेष बहुमत, अति विशेष बहुमत। साधारण बहुमत में बड़ी नाम मात्र के बहुमत के द्वारा हो जाता है, विशेष में 2/3 बहुमत की आवश्यकता पड़ती है एक तरीके से, और अति विशिष्ट में आधे राज्यों की भी जरूरत पड़ती है।
ये अनावश्यक से कहा जाए कि हमारे देश में जो अभी जिनके पास सत्ता है या जो सत्ता प्राप्त करने चाहते हैं, वो जनता को पूरी तरीके से गुमराह करना चाहते हैं। ठीक है, तो जब आपको अवसर मिले, कहीं ऐसे नेता आपके सामने आ जाए, तो आप बिल्कुल पीछे मत हटना। उनको बता देना कि भैया संविधान ये होता है, संविधान में संशोधन ऐसे करते हैं, आप हमें मत सिखाइए, हम आपसे कहीं ज़्यादा नॉलेज रखते हैं। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। तो मैं बात कर रहा था कार्यपालिका संबंधी शक्तियां जो हैं, तो कार्यपालिका संबंधी जो शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति के पास है, मगर वह बाध्यकारी है किसके सलाह पर काम करने के लिए, मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करने के लिए। तो अब एक चीज और यहां पर की गई, 42वें संशोधन में तो बाध्य कर दिया गया, लेकिन आगे जब मोरारजी सरकार थी तो उन्होंने 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया, उसमें उन्होंने ये जोड़ दिया था कि राष्ट्रपति एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है सलाह को। जैसे मान लो संसद ने या मंत्रिपरिषद ने सलाह दी कि ऐसा ऐसा करना है, ये विधेयक पर साइन करना है, राष्ट्रपति को लगता है कि जल्दबाजी में भेजा गया है, ठीक से विचार नहीं किया गया, तो वापस भेज देगा कि आप रिकंसिडर करो, पुनर्विचार करो। उन्होंने पुनर्विचार करके अगर वापस लौटा दिया तो प्रेसिडेंट बॉन्डेड है 14 दिन के अंदर उस पर साइन करने के लिए, है ना। तो एक बार पुनर्विचार कर सकते हैं, इससे ज़्यादा वो कुछ भी नहीं कर सकता। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, प्रधानमंत्री हमारे यहाँ इलेक्टेड नहीं होता है, ये भी भ्रांतियाँ हैं, पढ़े लिखे लोगों में भ्रांतियाँ हैं, इलेक्टेड नहीं होता है। अभी जो चुनाव हो रहे हैं वो प्रधानमंत्री के नहीं हो रहे हैं, वो लोकसभा, तो फिर क्या होगा, लोकसभा के सदस्यों के चुनाव। लोकसभा में जिस भी दल को बहुमत मिलेगा, यानी 272 सीटें स्पष्ट रूप से मिल जाए या गठबंधन के द्वारा मिल जाए, वो व्यक्ति जिसे अपना नेता चुनेगा उसे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त कर देगा, और प्रधानमंत्री से पूछ करके अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कर दी जाएगी, है ना। ऐसे ही महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल, CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, अन्य निर्वाचन आयुक्त, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश, इन सब की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति करता है, मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्य, सम्मिलित राज्य लोक सेवा आयोग इनके अध्यक्ष सदस्य। ऐसे ही कुछ आयोग बने हुए हैं, जैसे राजभाषा आयोग हो गया, अल्पसंख्यक आयोग हो गया, है ना, महिला आयोग हो गया, तो इन सब के अध्यक्षों की नियुक्ति भी क्या करता है, राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति, देखो ध्यान रखेंगे कि अगर संघीय प्रशासन से जुड़ा कोई मुद्दा है, संघ यानी केंद्र सरकार, इससे जुड़ा कोई मुद्दा है, कोई विषय है, तो वो किसी भी प्रकार की सूचना जो है प्रधानमंत्री से मांग सकता है कि आप हमें ये इन्फॉर्मेशन दीजिए, और प्रधानमंत्री को देनी पड़ती है। और यही व्यवस्था राज्य में होती है, राज्यपाल मांग सकता है मुख्यमंत्री से, दिल्ली में भी यही व्यवस्था है, वहाँ का लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो भी मांग सकता है, अगर वो CM से मांग ले कि मुझे इस विषय पर जानकारी दीजिए, CM जेल में बंद है, ये आधार बन सकता है वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाने का। नेक्स्ट, राष्ट्रपति की ये जिन्हें हम कार्यपालिका संबंधी शक्तियां कहते हैं, इन्हीं को हम प्रशासनिक शक्तियां भी कह देते हैं, विधायी शक्तियां भी होती हैं, लेजिस्लेटिव पावर भी होती हैं, क्योंकि राष्ट्रपति क्या है, संसद का अभिन्न अंग है। संसद तभी बनती है जब लोकसभा, राज्यसभा, और उसमें जब हम राष्ट्रपति को जोड़ देते हैं, आर्टिकल 76 में ये लिखा हुआ है। तो अभिन्न अंग होने के कारण उसके पास विधायी शक्तियाँ हैं। तो विधायी शक्तियों का मतलब क्या हुआ, राष्ट्रपति संसद सत्र आहूत करता है, आहूत करना बुलाना, यानी संसद की मीटिंग बुलाता है ना। तो राष्ट्रपति ही संयुक्त मीटिंग, संयुक्त मीटिंग तब होती है जब लोकसभा और राज्यसभा में किसी बात को लेकर कॉन्ट्राडिक्शन हो, विरोधाभास हो, तो ऐसी स्थिति में किसी निष्कर्ष पर पहुंचना चाहते हैं तो ज्वाइंट मीटिंग बुलाने का अधिकार भी राष्ट्रपति को है। ज्वाइंट मीटिंग जब बुलाई जाती है तो उसकी अध्यक्षता लोकसभा का स्पीकर करता है। राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है, डिजॉल्व कर सकता है, अन्य कोई भी व्यक्ति उसको भंग नहीं कर सकता है। डिजॉल्व होने का मतलब है नए चुनाव होंगे, है ना। जब कभी भी नई लोकसभा चुनकर आती है, जैसे अभी चुनाव हो रहे हैं 2024 में, 4 जून को रिजल्ट आ जाएगा, नई लोकसभा बनेगी, उसके बाद जो पहली मीटिंग होगी तो उस समय राष्ट्रपति उन्हें संबोधित करेगा, और साल में जब पहली मीटिंग होती है संसद की उस समय भी उन्हें संबोधित करता है।
ठीक है, राष्ट्रपति राज्यसभा में इन 12 सदस्यों को नॉमिनेट करता है, साहित्य कला विज्ञान और समाज सेवा। लोकसभा में करता था, वो अब हटा दिया गया है। राष्ट्रपति जब तक सिग्नेचर नहीं करेगा तब तक कोई भी जो विधेयक संसद पास कर चुकी है वो कानून नहीं बन सकता, कानून का रूप नहीं लेगा। राष्ट्रपति विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, उसकी जो वीटो पावर थी वो भी मैंने आपको समझाई हुई थी, है ना। तो ऐसी चीज़ें यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है। देखो, वित्तीय शक्तियाँ चूंकि राष्ट्रपति जो है, संविधान हमारा जो आर्टिकल 112 है वो कहता है कि राष्ट्रपति की जिम्मेदारी है कि वो वार्षिक वित्तीय विवरण संसद में प्रस्तुत करवाए। उसी वार्षिक वित्तीय विवरण को हम बजट कह देते हैं, है ना। तो संसद में प्रस्तुत करवाएगा, करेगा कौन, तो वित्त मंत्री करेगा या अन्य मंत्री करेगा, प्रधानमंत्री भी कर सकता है। कोई भी धन विधेयक जो होता है वह राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बिना संसद में सदन में प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है आर्टिकल 280 के अंतर्गत। ये वित्त आयोग जो है केंद्र और राज्य के बीच संपत्ति का बंटवारा करता है, ठीक है। राष्ट्रपति के पास ही एक आकस्मिक निधि होती है, कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया। ऐसे समझ लो कि भारत सरकार की जो टोटल इनकम है, टोटल खर्च है, वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया यानी भारत की एक संचित निधि नाम दिया गया है, उस संचित निधि में रहते हैं। अब इस संचित निधि यानी एक प्रकार का अकाउंट है, उसमें से पैसे निकालना हो या उसमें पैसे जमा करना हो, आपको परमिशन चाहिए संसद की। जब तक संसद की परमिशन नहीं है तब तक ना तो आप उसमें से पैसा निकाल सकते हो ना जमा कर सकते हो। अब अचानक से आपको ज़रूरत पड़ गई कि किसी कारण से कोई दुर्घटना हुई या कोई प्राकृतिक प्रकोप हुआ, उसमें आप रिलीफ देना चाहते हैं, अब रिलीफ तुरंत देना चाहते हैं, ऐसे सरकमस्टांस बने हुए हैं। संसद की मीटिंग बुलाना, सारे सांसदों को समझाना, सबसे ये पारित कराना, इसमें समय लगेगा। तो इसलिए राष्ट्रपति के पास एडवांस में 500 करोड़ रुपए की स्वीकृति रखी रहती है, एक तरीके से बिना संसद की परमिशन के वो खर्च कर सकते हैं, बाद में संसद बुला करके उसको फिर से एड ऑन कर लेते हैं, ठीक। राष्ट्रपति के पास ज्यूडिशियरी पावर, अगर आप देखें यहाँ से प्रश्न बनता है, जिन्हें हम न्यायिक शक्तियाँ कहते हैं, क्षमादान की जो शक्ति है आर्टिकल 72 में उसे दी गई है। चूंकि राष्ट्रपति देश का प्रमुख है, एक प्रकार से राजा के समान है, तो इसलिए वह भारत में भारत के किसी भी व्यक्ति को कोई भी सज़ा मिली हो, चाहे मिलिट्री कोर्ट ने क्यों ना दी हो, उसकी सज़ा को माफ़ कर सकता है, उसके दोष को भी माफ़ कर सकता है, यानी वो गुनहगार था, सजा ही माफ़ नहीं की, उसका गुनाह भी क्षमा कर सकता है। 5 प्रकार होते हैं, एक होता है पार्डन यानी सजा भी माफ़ हो जाती है और व्यक्ति दोष मुक्त हो जाता है, परिहार सजा की नेचर को बदले बिना उसकी अवधि कम कर देते हैं, 10 साल सश्रम था घटा करके 2 साल कर दिया सश्रम, है ना। रेस्पाइट या विराम होता है कि किसी विशेष परिस्थिति में उसकी सजा को रोक देना, जैसे प्रेगनेंसी है किसी महिला की, उसको सजा मिली है तो रोक देना। कम्यूटेशन क्या होता है कि यहाँ एक कठोर सजा को साधारण सजा में बदल देते हैं, जैसे मौत की सजा थी उसे उम्र कैद में बदल देते हैं। और प्रविलंबन रिप्रीव यानी जब तक राष्ट्रपति इस पर कोई फैसला नहीं लेता है सजा पर, तब तक उसकी सजा पर रोक लगा देना, है ना, तो उसको प्रविलंबन कहते हैं। तो 72 जो है उससे जुड़ा है। ध्यान ये रखना है कि ये जो क्षमादान है, किसी भी व्यक्ति का कोई मौलिक अधिकार नहीं है, उसका कैसा भी अधिकार नहीं है, ये तो सिर्फ एक अनुकंपा है, राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर करता है। राष्ट्रपति के विवेक से मतलब है मंत्रिपरिषद डिसाइड करती है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। वीटो पावर, राष्ट्रपति के पास जो वीटो पावर है, 3 प्रकार के वीटो हैं, जिन्हें हम एक कहते हैं निरपेक्ष वीटो, दूसरा सस्पेंसिव जिसे निलंबनकारी वीटो कहा जाता है, और तीसरा होता है जिसे जेवी वीटो या पॉकेट वीटो के नाम से जानते हैं। देखो, कोई विधेयक है राष्ट्रपति के पास आया तो राष्ट्रपति क्या स्टेप उठा सकता है, राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर कर देगा तो कानून बन जाएगा, ये तो कोई वीटो हुआ नहीं। लेकिन राष्ट्रपति क्या करता है कि उसको हस्ताक्षर नहीं करता, यानी अपनी अनुमति विधारित करता है, विदहोल्ड। तो विदहोल्ड का मतलब ये हो गया कि ऐसी स्थिति बनी हुई है कि राष्ट्रपति ने ना उसको वापस भेजा ना साइन किए, रोक लिया। तो इसी को एक तरीके से हम क्या कहते हैं, पॉकेट वीटो, जेबी वीटो।
और तीसरी स्थिति ऐसी होती है कि उसने क्या किया, वापस भेज दिया कि आप इस पर पुनर्विचार कर लो, रिकंसीडर कर लो। आफ्टर रिकंसीडरेशन, पुनर्विचार के बाद 14 दिन के अंदर अंदर राष्ट्रपति वांटेड हो जाता है उस पर साइन करने के लिए, ठीक है। और ये वाला वीटो कैसा है, जिसे एब्सोल्यूट वीटो है, कि राष्ट्रपति के पास कोई विधेयक आया, राष्ट्रपति उसको रिजेक्ट करते कि नहीं मैं इसको साइन नहीं कर रहा हूँ, तो वो होता है एब्सोल्यूट वीटो। ऐसा कब होता है, ऐसा होता है प्राइवेट विधेयक पर, निजी, या ऐसी सरकार ने बिल भेजा हो जिसने अपना बहुमत लोकसभा में खो दिया हो। तो ये है हमारे राष्ट्रपति के वीटो पावर। यानी जेल सिंह जब राष्ट्रपति थे, राजीव सरकार ने उनके पास एक बिल भेजा था पोस्ट एंड टेलीग्राफ एक्ट के नाम से 1986 में, यानी जेल सिंह ने ना उसे वापस लौटाया ना उस पर साइन किए, तो वो उनकी जेब में चला गया, पॉकेट वीटो का प्रयोग किया गया, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं। अब राष्ट्रपति के पास भारत में कुछ विशेष अधिकार भी होते हैं, चूंकि राष्ट्रपति है तो विशेष अधिकार है। देखो, राष्ट्रपति अपने पद पर रहते हुए, अपनी पोस्ट पर रहते हुए, वह जिन शक्तियों का प्रयोग करता है या उस पद पर रहते हुए वो अपने कर्तव्य का पालन करते हुए वो कोई भी कार्य करता है, इस कार्य के लिए उसे किसी भी न्यायालय में रेस्पॉन्सिबल नहीं बना सकते, यानी किसी कोर्ट में उसे बुला नहीं सकते हैं कि आपने ये कार्य जो किया था ये ठीक नहीं किया था। उसने अपने पद पर रहते हुए अपने कर्तव्य पालन के संदर्भ में जो भी काम किया है वह किसी भी कोर्ट के प्रति उत्तरदायी नहीं है, चाहे वो सही कर रहा हो चाहे वो गलत। सही कर रहा है तो कोई बात ही नहीं है, गलत कर रहा है तो फिर अजीब लगता है ना, कह रहे उसने व्यक्ति ने गलत कर दिया और फिर भी न्यायालय के प्रति उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती, हम उसको सजा कैसे दे पाएंगे। उस पर सजा का कोई प्रावधान नहीं है, बस इतना कर सकते हैं कि अगर ऐसा लगता है कि वह अपने कर्तव्य का पालन ठीक से नहीं कर रहा है तो महाभियोग लगाकर बस हटा दो, और कुछ नहीं कर सकते, है ना। महाभियोग जब लगेगा तो उस पर ये विशेष अधिकार लागू नहीं होते हैं, है ना। 361 जो है, 361 आर्टिकल का क्लॉज 1, उसमें ये उसे विशेष अधिकार मिला हुआ है। अगली बात सुनो, राष्ट्रपति जब अपने पद पर होता है, जब तक वह राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा, उसके खिलाफ किसी भी प्रकार की कोई क्रिमिनल जो कार्रवाई है वो नहीं चलाई जाएगी। किसी कोर्ट में कंप्लेंट कर दो कि नहीं राष्ट्रपति के खिलाफ हम ये क्रिमिनल कोर्स लगा रहे हैं, ना तो चलाई जाएगी और ना ही संस्थित रखी जाएगी, है ना। ये नहीं कर सकते पद पर। रिटायरमेंट के बाद आप कुछ भी करवा सकते हो पर्सनल बेस पर, अगर पर्सनल कैपेसिटी में अगर उसने ऐसा कुछ किया है तो। राष्ट्रपति को उसके ड्यूरेशन यानी उसकी पद अवधि के दौरान भारत का कोई भी न्यायालय उसे गिरफ्तार करने का, उसे बंदी बनाने का, उसे जेल भेजने का, या उसे वारंट तामील कर दे कि आओ हमारी कोर्ट में, आओ हवेली पे, नहीं कर सकता। ये भी उसका विशेष अधिकार है, 361 के ही क्लॉज 3 में ये लिखा हुआ है, है ना। अब देखो, यहाँ एक बात समझनी है कि 361 का क्लॉज 1 मैंने आपको बोला कि राष्ट्रपति अपने पद पर रहते हुए अपने कर्तव्य पालन के दौरान कोई कार्य करता है तो उसे किसी भी न्यायालय में जिम्मेदार नहीं बना सकते, उत्तरदायी नहीं बना सकते। लेकिन मान लिया कि जो राष्ट्रपति महोदय, अब राष्ट्रपति महोदय मान लेते हैं ये किसी गांव से, ग्राम से संबंधित हैं या किसी शहर से संबंधित है, वहाँ पर उनकी कोई जमीन है या घर है और उनके साथ किसी दूसरे व्यक्ति का विवाद है, उनकी पर्सनल जो जमीन है उसको लेकर विवाद है कि उन्होंने अतिक्रमण कर लिया है या रास्ता बंद कर दिया है, ऐसी स्थिति में रोक नहीं है, ऐसी स्थिति में रोक नहीं है। यानी व्यक्तिगत कार्यों से संबंधित जो हैं वहाँ पर दीवानी जो कार्यवाही है वो की जा सकती है। दीवानी का मतलब होता है सिविल, क्रिमिनल ऑफेंस में नहीं। बट इसके लिए भी ध्यान क्या रखना है कि सिविल यानी दीवानी कार्यवाही कर सकते हैं, पर्सनल ऑफिस में कर सकते हैं, तो वो लिखित सूचना देनी पड़ेगी, प्रायोर नोटिस देना पड़ेगा 2 महीने के पहले पहले कम से कम, कि
कौन सा केस हम फाइल कर रहे हैं, किस प्रकार का ये केस है, कौन फाइल कर रहा है, यानी जो अपीलेंट है, जो इनके विरुद्ध जा रहा है, उसका नाम, उसका पता है ना, क्या कार्यवाही है, क्यों, वो सब उसको देना पड़ेगा 2 महीने पहले। तो वहाँ ये राष्ट्रपति के जो विशेष अधिकार हैं वो काम नहीं आते हैं, ठीक है, ये याद रखना। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर माना जाता है। युद्ध और शांति की घोषणा राष्ट्रपति के नाम से होता है। दूसरे देशों के साथ जो समझौते होते हैं वो सब राष्ट्रपति के नाम से ही होते हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां हैं, डिटेल में कल समझाया था। 3 आपातकालीन शक्तियां हैं संविधान के भाग 18 में है। एक है जिसे हम राष्ट्रीय आपातकाल नेशनल इमरजेंसी कहते हैं, आर्टिकल 352। दूसरा जिसे राष्ट्रपति शासन कहते हैं, 356। और तीसरा आता है वित्तीय आपातकाल फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो 360 में दी गई है। अब 352 का प्रयोग 3 आधारों पर किया जा सकता है, युद्ध की स्थिति हो, दूसरा है बाह्य आक्रमण एक्सटर्नल एग्रेशन, और तीसरा है सशस्त्र विद्रोह। ये तीसरा जो है ये बाद में जोड़ा गया है 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। मूल रूप से ये हमारे संविधान में नहीं था। तो मूल रूप से क्या था, मूल रूप से लिखा था कि आंतरिक अशांति की स्थिति में हम राष्ट्रीय आपातकाल, यानी सरकार राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकती है, और इसका दुरुपयोग करते हुए इंदिरा गांधी के द्वारा 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया था। बाद में मोरारजी सरकार आती है तो उन्होंने इस दुरुपयोग को खत्म करने के लिए संशोधन किया और ये भी जोड़ दिया कि लिखित सिफारिश चाहिए मंत्रिमंडल की, तभी आप किसी भी प्रकार के आपातकाल का प्रयोग कर सकते हैं, बिना लिखित सिफारिश के मंत्रिमंडल के नहीं कर सकते। और ये मंत्रिमंडल शब्द भी संविधान में इसी 44वें संशोधन द्वारा लाया गया है, इसके पहले नहीं था। मूल संविधान में इसकी कोई चर्चा नहीं मिलती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की चर्चा मिलती है। ये छोटे छोटे जो बारीकियां हैं, जो पॉइंट हैं, जरूर आपको समझना चाहिए। डिबेट में अपने दोस्तों के साथ इन पॉइंट पर चर्चा भी करना चाहिए। तो राष्ट्रपति शासन जब उसकी घोषणा हो जाती है तो 1 महीने के अंदर संसद से उसे पास कराना होता है। संसद पास कर देती है तो ये 6 महीने तक वैलिड हो जाता है। 6-6 महीने करके इसको बढ़ा सकते हैं, जब तक चाहें तब तक। ऐसा नहीं हो सकता कि एक बार में ही उसको 10 साल के लिए लागू कर दें। 3 बार हमारे यहाँ 352 का प्रयोग हुआ, चीन युद्ध के समय, पाकिस्तान युद्ध के समय, और तीसरा है इंदिरा जी की मनमानी, इंदिरा जी की तानाशाही के समय। 356 जिसे बोलते हैं राष्ट्रपति शासन, इसका आधार है कि राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए, फेलियोर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन स्टेट, तब लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे, राज्यपाल अपनी रिपोर्ट बना के दे सकता है, उसमें ऐसा मेंशन किया गया हो तो उस रिपोर्ट को आधार बनाकर सरकारें करती रही, या किसी अन्य स्रोत के आधार पर भी लगा सकते हैं। लगा दिया, 2 महीने के अंदर संसद से पास करवाओ दोनों सदनों से, तो 6 महीने तक वैलिड है। 6 महीने के बाद चुनाव होंगे, चुनाव नहीं कराए जा सकते तो फिर 6 महीने लगा दो। ऐसे करके ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल तक लगा सकते हो। 3 से भी ज़्यादा लगाने के लिए ये क्लॉज है कि निर्वाचन आयोग ये लिखित में दे देता है कि चुनाव कराने की स्थितियाँ नहीं है। एक दूसरा, वहाँ अगर पहले से नेशनल इमरजेंसी लगी है तो ये एक ऐसा आर्टिकल है जिसका सबसे ज़्यादा मिसयूज किया गया है पुरानी सरकारों द्वारा। सबसे पहले पंजाब में लगा था, सबसे ज़्यादा समय तक जम्मू कश्मीर में, मध्य प्रदेश में 3 बार लगाया जा चुका है। वित्तीय आपातकाल 360 में प्रावधान है, जब देश के वित्तीय स्थायित्व को खतरा उत्पन्न हो जाए तब लगा सकते हैं, अभी तक 1 भी बार नहीं लगा है, ठीक है। 90 में सिचुएशन बन रही थी मगर फिर ऐसा नहीं हो पाया। तो देखो, राष्ट्रपति को लेकर के मैंने बहुत हद तक पूरा का पूरा जितना लेक्चर था सब रिपीट करा दिया, उसके जो पॉइंट छूट गए थे वो भी मैंने आपको बता दिए, और ये जो मैंने आपको दिखाया है ये वही नोट्स हैं जो हम क्लास में रखते हैं, पूरा का पूरा इस नोट्स में भी वो सारा एडिट इंक्लूडेड है। अगर आप सिलेबस अपना देखना चाहते हो तो सिलेबस में दिखा देता हूँ, यूनिट नंबर है 5। इस यूनिट नंबर 5 में अगर आप पढ़ोगे तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा पहले संविधान सभा, जो हम पढ़ चुके हैं,
और उसके बाद लिखा है संघीय कार्यपालिका, इसी में राष्ट्रपति आता है, इसी में हमें उपराष्ट्रपति पढ़ना है, बेशक यहाँ उपराष्ट्रपति नहीं लिखा है लेकिन संघीय कार्यपालिका है तो वाइस प्रेसिडेंट पढ़ना है, यहीं हमें मंत्रिपरिषद पढ़नी है, यहीं पर हमें संसद पढ़नी है, संसद के विधेयक संबंधी प्रक्रिया को पढ़नी है, लोकसभा के स्पीकर को समझना है, संसद के सत्र को समझना है, संसद की जो टर्मिनोलॉजी होती है वो भी समझना है। जब ये सब कंप्लीट हो जाएगा संसद, देन सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के बाद हाई कोर्ट भी है क्योंकि न्यायिक व्यवस्था लिखी है ना, तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, उनकी शक्तियाँ कैसे नियुक्ति होती है, कैसे उनको हटाया जा सकता है, किस किस प्रकरण की सुनवाई करते हैं, है ना, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बारे में भी हम बात कर लेंगे थोड़ी सी। ये कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद देखो नागरिकों के मौलिक अधिकार वाला जो क्लॉज है वो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, आप देखोगे ये 12वां लेक्चर है, फंडामेंटल राइट्स आपको मिल जाते हैं, कर्तव्य हम पढ़ चुके हैं, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये बड़े विस्तार से इसको हम पूरा का पूरा कर चुके हैं, देन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करेंगे, फिर देखो यहाँ आ जाता है मध्य प्रदेश के पॉलिटी के संदर्भ में, तो यहाँ राष्ट्रीय और प्रादेशिक संवैधानिक सांविधिक आयोग संस्थाएं, अगर इस साल के पहले का सिलेबस देखो तो 10वीं यूनिट में ये दिया था, उन्होंने 10वीं यूनिट से हटा करके यहाँ ले लिया है, चाहे इसमें वित्त आयोग है, इसमें संघ लोक सेवा आयोग है, एमपीपीएससी है, महिला आयोग है, ऐसी सारी संस्थाएं हम इनको देख लेंगे, संवैधानिक और सांविधिक स्टेचुटरी भी। फिर मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत राज्यपाल, तो राज्यपाल के संबंध में संविधान के क्या क्या प्रावधान है वो देखेंगे, और मध्य प्रदेश के राज्यपाल अभी तक कितने हुए, वर्तमान में कौन है, उनकी लिस्ट सूची पढ़ेंगे, बाकी कुछ ऐसा नहीं कि मध्य प्रदेश के संदर्भ में विशेष होगा, यानी पॉलिटी है राज्यपाल के अधिकार शक्तियाँ। फिर मंत्रिमंडल यानी स्टेट में मंत्रिमंडल, मंत्री मुख्यमंत्री चुनाव ये सब, इसमें विधानसभा, और बस मध्य प्रदेश का मंत्रिमंडल, उनका नाम याद रखना भर है, विधानसभा मध्य प्रदेश के विधानसभा के पदाधिकारियों के नाम याद रखना है, शक्तियाँ कैसे चुनाव होते हैं, क्या स्पीकर करता है, वो प्रोविजन वही है। तो हाई कोर्ट हम इस न्यायिक व्यवस्था के अंतर्गत पढ़ लेंगे, मध्य प्रदेश में जो चीफ जस्टिस रहे हैं उनके नाम याद करना। फिर आता है पंचायती राज, पंचायती राज के प्रावधान जो कॉमन है वो, और मध्य प्रदेश के पंचायती राज के प्रावधान अलग से। नगरीय स्थानीय शासन व्यवस्था जो संविधान में दी गई है, यानी 73 और 74वां संविधान संशोधन, और ये गुड गवर्नेंस जैसा छोटा सा टॉपिक है, इसमें कुछ विशेष नहीं है। तो ये सब चीज़ें 5वीं यूनिट में हम कवर करेंगे, साथ ही साथ पैरेलल हम स्टार्ट कर चुके हैं आपको ये यूनिट नंबर 1 भारतीय इतिहास। इस भारतीय इतिहास में जो बदलाव किया गया है वो, ये बदलाव अगर इन डेप्थ हम चलते हैं तो ये शुरुआत का जो है ना, इसको बदलाव कह सकते हैं, लेकिन बदलाव से मतलब है प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा, यानी इसमें हमें वेदों के बारे में जो आगे लिखा है, वेद, उपनिषद, दर्शन, आरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ, है ना, पुराण, स्मृतियाँ, तो वो हम आगे पढ़ते थे, इस बार शुरुआत में थोड़ा उनको पहले से पढ़ लेंगे, ठीक, पंचयज्ञ, संस्कार, ऋण, पुरुषार्थ, तो हमने ये स्टार्ट किया है, इस पे आ जाएंगे, और फिर प्राचीनकालीन यानी हड़प्पा सभ्यता, आर्यों के बारे में, गुप्त साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य, है ना, दक्षिण भारत का संगम युग, इन सबको देख लेंगे, ठीक है, ये सारा सारा सब कुछ देखेंगे, देन उसके बाद फिर मध्यकालीन पर चलेंगे। फिर आप देखोगे इसमें एक ये पॉइंट एक लाइन का जोड़ रखा है नए सिलेबस के हिसाब से कि भारत की सांस्कृतिक विरासत, कला प्रारूप, साहित्य, यानी इसमें कुछ विशेष नहीं आता, कला प्रारूप से बात की जा रही है, यानी भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, ये देख लेंगे, जो प्रमुख त्यौहार अलग अलग राज्यों में बनाए जाते हैं वो देख लेंगे, ठीक, मॉडर्न हिस्ट्री आ जाती है, अब 1947 के बाद यानी कि जो राज्यों का पुनर्गठन था वो छोटा सा टॉपिक है, तो ये साथ में चलाएंगे पहली यूनिट, है ना, हड़प्पा सभ्यता बता चुके थे, और ये जो बताना है ना जिसमें भारतीय ज्ञान परंपरा ये सब, ये आपको कल लेक्चर में मिल जाएगी, मैं आज ही इसको ले रहा था बट किसी कारण से इसको कल कर लूँगा, और उसके बाद फिर हम चलेंगे, ये दूसरी यूनिट शुरू करेंगे एमपी रिलेटेड, पूरा एमपी से संबंधित, जल्दी से ख़त्म होने वाली है, रटने वाली यूनिट, समझने वाली जो यूनिट आती है प्रीलिम्स में वो जियोग्राफी है, समझने वाली यूनिट अगर हम बात करें प्रीलिम्स में तो ये चौथी यूनिट भी थोड़ी बहुत समझी जा सकती है, मध्य प्रदेश का भूगोल है थोड़ा सा, पांचवी यूनिट पूरी की पूरी ये समझने वाली है, इसमें
सिक्स यूनिट ये भी समझने वाली है इकोनॉमिक्स, सेवन्थ यूनिट साइंस एनवायरनमेंट हेल्थ ये भी थोड़ा सा समझ सकते हो, और आठवीं फिर रटने वाली है पूरा करेंट अफेयर मध्य प्रदेश की घटनाएं वो सारी की सारी, नौवीं यूनिट समझने वाली है साइंस टेक वाली, ठीक है, दसवीं यूनिट समझने जैसा इसमें मुझे कम लगता है, रटने जैसा ज़्यादा लगता है ना, तो ये धीरे धीरे हम कोशिश रहेगी मेरी जून से पहले ख़त्म कर दूँ। ओके तो इसको यहीं रोक देते हैं, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया करो, है ना, सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लो, अपने दोस्तों से भी करवा सकते हो। अच्छा दूसरा आप देखते होंगे कि यहाँ पर ऐड आते हैं जब आप यूट्यूब पर इसको देखते हैं, तो हमारा एक दूसरा चैनल है GS Plus करके, उस पर आपको रेगुलर पॉलिटी की क्लासेस मिलती हैं, चार क्लासेस हो चुकी हैं, पाँचवीं आज आपको मिलेगी, उस पर आपको कोई भी किसी भी प्रकार का ऐड नहीं मिलेगा, तो वो आप जा करके देख सकते हो, उसको सब्सक्राइब कर सकते हो GS Plus करके, लिंक भी दिया होगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ आपको कोई भी मतलब किसी भी प्रकार का एडवर्टाइजमेंट नहीं मिलेगा, आपको पूरी क्लास ए से पॉइंट बी तक मिलेगी। तो इस कथा को यहीं सम विराम करते हैं, अगले टॉपिक के साथ हम फिर मिलेंगे, थैंक यू।